आगे बढ़ते हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में क्राइम का मामला गूंज सकता है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बजट सत्र जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की आज की कार्यवाही में सदन में क्राइम का मामला गूंजेगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार से सवाल किए जाएंगे क्राइम को लेकर। विपक्ष अब सरकार को घेरेगा। अधिक जानकारी लेंगे, सीधे रायपुर की ओर रुख करते हैं। सहयोगी मोहन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ कार्यवाही देखने को मिलेगी आज की विधानसभा के सत्र में, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि क्राइम का मामला गूंजेगा। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के जो कार्यसूची है उसमें तो लंबे चौड़े काम शामिल किए गए हैं और सबसे अहम सरकार की कोशिश आज ये है कि चार प्रमुख मंत्रियों के विभाग के जो बजट की चर्चा है उसे वो पास करा ले, तो उस पर सत्ता पक्ष का सारा ध्यान है। लेकिन कल ही जिस ढंग से बीजेपी ने तेवर दिखा दिए थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर घटनाएं हुई हैं और एक परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, वो पूरा मामला संदिग्ध बना हुआ है। ऐसे में इस प्रकरण को आज काम रोको प्रस्ताव के जरिए बीजेपी के सदस्य उठा सकते हैं। हालांकि आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उस घटना स्थल पर भी गए थे, तो ये उसी की तैयारी है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर सवाल जरूर उठाएगा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और अपराधी कौन है ये अब तक पकड़ा नहीं गया है। ऐसे में इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। तो जवाब देने से पहले आज अल सुबह गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उस घटना स्थल पर पहुंचे थे। पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है जहां पर 5 लोग एक ही परिवार के संदिग्ध अवस्था में मरे पाए गए थे, जिसमें 3 की हत्या बताई जा रही है। तो घटना क्यों हुई, क्या इसके पीछे कारण थे, इसको लेकर आज सदन में बवाल देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे प्रमुख सरकार की कोशिश यही होगी कि विभाग की जो बजट चर्चा चल रही है, हालांकि इसमें विपक्ष भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उनके अनुपस्थिति में इस पे चर्चा कराकर वो इसे पास कराए। अब तक 6 मंत्रियों के जो प्रमुख विभाग हैं उनके बजट चर्चा बिना विपक्ष के पास हो चुकी है, तो आज 4 मंत्रियों को मौका दिया गया है, तो इन 4 मंत्रियों के बजट की चर्चा आज जो है सदन में पास हो सकती है, ऐसी संभावना है। इन्हें कार्यसूची में स्थान दिया गया है, लेकिन विपक्ष के तेवर साफ है कि वो अलग अलग मुद्दों पे सरकार को घेरे, जिसमें सबसे अहम कानून व्यवस्था का मुद्दा होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि विपक्ष ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। सदन में कानून व्यवस्था को लेकर आज सदन गरमाया रहेगा। जिस प्रकार से आसार जताए जा रहे हैं, मोहन ने भी हमें जानकारी दी है, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। और मध्य प्रदेश विधानसभा का भी बजट सत्र चल रहा है। आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा होगी। सदन में हंगामे के आसार हैं। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर आज चर्चा होगी। विधानसभा का बजट सत्र मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। सदन में हंगामे के आसार हैं क्योंकि आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा होगी।